तुम शादी करने वाली हो और तुमने बताया तक नहीं मुझे। वो क्या? और शादी इससे? तुमने उसकी उम्र देखी है? शादी? अरे मैडम मैं प्लम्बर हूँ, मैं प्लम्बर। बकवास बंद करो अपनी। पर पोको ये कौन है? अरे मैडम मैं कितनी बार बता चुका हूँ मैं प्लम्बर हूँ, नल ठीक करने आया था। नल वाल तो छोड़ो, मुझे लगता है यहाँ सबके मगज ठीक करने पड़ेंगे। दबाल को लगाम दो। अपने बड़े घर में सबके सब पागल। अरे मौसा जी राशि, ये वो नहीं है। नहीं है? फिर कौन है? अच्छा ये चल क्या रहा है? माँ जी वो ऊपर जो है ना वो प्लम्बर नहीं है। माँ जी वो जी मैं समीर हूँ। जी आप तो ऊपर जी मुझे कुछ पुराने टूल्स मिल गए तो मैंने नल ठीक कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तुम टेरेस पर कैसे पहुंच गए? चिकना तुम इन्हें जानती हो? हाँ पोको। कौन है ये? यही तो है वो जिनसे मैं शादी। तो वो ये है जी, और मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैं और जिग्गी पहले इंटरनेट पर मिले, हमें बातचीत करते काफी समय हो गया। अब कई महीनों बाद मुझे लगा कि मुझे जिग्गी और आप लोगों से मिलना चाहिए। दरअसल इंडिया भी जिग्गी इसी इरादे से आई। सॉरी समीर, सबने तुम्हें प्लम्बर समझा। जाने दो, आई होप किसी ने प्लम्बर को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं समझा होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया चिकना? तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रही हो? शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? मैं शादी करना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? गलत है, शादी की एक उम्र होती है, जो उम्र तुम पार कर चुकी हो। अगर ऐसे में तुम शादी करोगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम्हारे इसी रवैये से तुम आज यहां हो। देखो मैं जैसे भी हूं अपनी लाइफ में खुश हूं। तुम किस रवैये की बात कर रही हो? मैं उस रवैये की बात कर रही हूँ चिकना, जो तुम आज तक अपनाती आई हो। मुझे सबके सामने ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन आज तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा। तुम हमेशा से बिना सोचे समझे किधर भी मुड़ जाती, ये तक नहीं सोचती कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसका दूसरों पर परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुमने ये तक नहीं सोचा अगर तुम शादी करोगी तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे परिवार पर क्या असर होगा, लोग तुम्हारे परिवार पर उंगलियां उठाएंगे, तुम पर हंसेंगे। कोको मैं तो क्या, इस उम्र में तुम शादी करने चली हो? जब मेरी गोपी हो बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हारी एक उम्र हो गई है, जरा तो सोचो। जब तुम्हारी शादी की उम्र थी तब मैंने तुम्हें लाख बार कहा जिग्ना अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी कर लो, तब तुमने अपनी मर्जी से मुझे शादी नहीं करनी है बस ना करती रही, और आज भी तुम वो ही कर रही हो। अपनी मनमानी? नहीं पोपो ऐसा नहीं है समीर, मुझे बहुत पसंद है,
मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। कोको, कोको एक बार इस तरह से सोच के देख कि ये तेरी छोटी बहन की खुशियों और जिंदगी का मामला है। ये शादी नहीं हो सकती। आशा करती हूँ चिकना तुम ये बात अच्छी तरह से समझ रही हो, ये शादी नहीं हो सकती। देखिए कोकिला बहन, मैं समझ सकता हूँ, समाज के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल है कि हमारी उम्र में कोई शादी करे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके एक साथ रहना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? माफ कीजिएगा, आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि ये मेरा और मेरी छोटी बहन जिगना के बीच का मामला है। तुम जिगना ये बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम इस उम्र में शादी करोगी तो तुम्हारी जग हसाई होगी। तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या बोले जा रही हो? समीर, बेहतर यही होगा कि इस समय तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में मुझे फोन करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम जानती हो कोको, अभी तुमने क्या किया? तुमने मेरे होने वाले हस्बैंड का अपमान किया। चुप, एकदम चुप। शर्म नहीं आती तुम्हें इन सब बहुओं के सामने ये बातें करते हुए? बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक सुलझी हुई सलाह दे रही हूँ। तुम बस ये सोचकर सब्र कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र बीत चुकी है। ये फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूंगी, किसे शादी करनी है करूंगी। क्या माँ को पता है इस बारे में? तुम जानती हो कि ये सही नहीं है, इसलिए ना तुमने मुझे बताया और ना ही माँ को बताया। और अगर तुमने माँ को नहीं बताया है तो अब समय आ गया है कि मैं मां से बात करूं। ताकि मां तुम्हें समझाए बुझाए और तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लाए। हाँ हाँ ठीक है, कर लो, जिससे भी बात करनी है कर लो, लेकिन मैं ये शादी करके रहूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। गोपी, क्या मौसी ने माम की बात मान ली? क्या अभी भी अपनी जिद पर ही है? वैसे मौसी की सोच हमेशा से सही रही, पर इस बार नहीं। पर अहम जी, जिनको मासी जी ने पसंद किया है उनको मैंने भी देखा है, वो काफी समझदार लग रहे हैं और मुझे लगता है वो मासी जी को बहुत खुश भी रखेंगे। गोपी,
ये सिर्फ कहने की बात है, हम सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। और सच ये है कि इस उम्र में शादी के बारे में सोचना, मतलब मॉम का विरोध करना उचित है। जैसे हर बात का सही समय होता है वैसे ही शादी का, और ना तो ये सही समय है और ना ही शादी की उम्र। मैं जानती हूँ एम जी, पर शायद मासी जी के लिए यही उचित समय है। अब देखिए ना एम जी, मेरी भी तो शादी के बाद पढ़ने लिखने की उम्र नहीं थी ना, फिर भी मैंने पढ़ाई की। एम जी, माँ जी गलत नहीं है, पर मासी जी भी तो, मेरा मतलब उन्हें भी तो कोई चाहिए ना, एक साथी।